पार हो चुकी। हमारे बहनों को समझना पड़ेगा, हम जिस तरह से हमेशा अपने बहानों को आगे लाते हैं, उसके भी बहाने थे, उसकी भी परेशानियां थी, लेकिन किस तरीके से वो आगे बढ़ा देखिएगा। जैसे आईएएस प्री का एग्जाम सेलेक्ट हुआ, मेंस का रिजल्ट, मेंस के एग्जाम की डेट आई 4 महीने बाद, और जैसे आईएएस प्री का रिजल्ट आया 3 दिन बाद उसका एक्सीडेंट होता है और जिस हाथ से वो लिखता उस हाथ में फ्रैक्चर होता है। एक व्यक्ति जिसके घर में कुछ भी नहीं था, इतनी परेशानी थी, खुद ट्यूशन से पैसों से खुद की कोचिंग की, आईएएस प्री निकाला ये सोच के आईएएस मेंस भी निकालूंगा, और आईएएस मेंस से पहले जिस हाथ से वो, क्योंकि आईएएस मेंस रिटर्न होता है, आईएएस मेंस जिस हाथ से वो लिखता था 3 या 4 महीने पहले वो हाथ फ्रैक्चर हो जाना, जिस पर सबसे बड़ा घमंड था कि मैं इस हाथ से लिखकर अपने आप को आईएएस बनाऊंगा, आईपीएस बनाऊंगा, मैं सिविल सर्वेंट बनूंगा, उस हाथ ने भी लास्ट में धोखा दे दिया। उसके पास भी 2 ऑप्शन थे, दुनिया को यह सर्टिफिकेट बांट सकता था कि आपको तो पता है मैं इंटेलिजेंस हूं, मैंने आईएएस प्री निकाला है, लेकिन मेरे इस हाथ ने साथ नहीं दिया, इस वजह से आईएएस मेंस नहीं लिख पा रहा हूं, यह सर्टिफिकेट बांटते हो सकता था कि मैंने यह हाथ दिया है, यह यदि भले ले लिया हो इस टाइम पर, यह यदि खत्म भी हो जाए, लेकिन भगवान ने 2 ऑप्शन और बनाए, दूसरा हाथ है। उस व्यक्ति ने उसी दिन को इसको नेगेटिव नहीं सोचकर, इसके बारे में नहीं सोचकर, इसकी प्रॉब्लम्स को नहीं देखते हुए, 1 दिन समस्या आई, 2 दिन आई, रात रात भर कर वो लिखता था, लिखते लिखते आईएएस मेंस दिया और मेंस में चयन होकर वो आईएएस बना। वाकई में ऐसे ही प्रेरणादायक हमारे समाज, हमारे युग में यदि योद्धा है, तो मुझे ऐसा लगता है उनसे ज्यादा परेशानी अनंत हनुवर सर जैसी हमारी परेशानी है, न वो हमारे आईएएस ऑफिसर जैसी परेशानियां, न चंद्रकांता मैम जैसे, चाहे उनके पैसों की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन पारिवारिक सामाजिक, क्योंकि एक बाप बेटी को पढ़ाने से पहले कुछ सोचे या नहीं सोचे, उस समाज के लिए जरूर सोचता है।